आवाम को बिजली का एक और झटका, कीमत भी 83 पैसे महंगा। इजाफा जुलाई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारफीन को आइंदा माह के लिए बिलों में इजाफी रकम अदा करना होगी। 12 अरब रुपए का इजाफी बोझ बढ़ेगा। नवाज शरीफ की मुश्किलात में इजाफा, नॉन स्टॉप लिस्ट में शामिल करने के लिए नए रावलपिंडी का DGFIA को खत, लाहौर पुलिस को भी खतूत इरसाल। नवाज शरीफ का इश्तिहार हर थाने में इनकी तस्वीर के साथ चिस्पा करने और रायविंड में इनकी रिहाइश गाह के बाहर लगाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नवाज शरीफ को मफरूर करार देकर बजरिया इश्तिहार तलब कर लिया। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के फर्स्ट सेक्रेटरी दिलदार अली अब्रू और काउंसलर अताशी राव अब्दुल हन्नान ने वीडियो लिंक के जरिए बयान रिकॉर्ड करवाया। वार्न ऑफिस के डायरेक्टर यूरोप मोहम्मद मुबशर खान मुतल्लिका दस्तावेजात जमा करा दी, बयान भी कलम बंद करवाया। मरियम औरंगजेब कहती हैं जाती तस्कीन के लिए शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करवाया। बिजली, गैस, अद्वियात और अशियाए खुरोनोश की कीमतें बढ़ाकर अवाम की जेब पर अरबों रुपए का ढाका डाला गया। मईशत की तबाही और महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत है, खौफ की वजह से रियासी ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। फयाज़ुल हसन चौहान कहते हैं एक दफा फिर ठगों ने अवाम को बेवकूफ बनाने की जतन शुरू कर दिए। मौलाना फजलुर रहमान का PGN का सरबराह बनाया जाना इंतहाई हैरान कुन है। मौलाना फजलुर रहमान ने हमेशा असूल के नाम पर वसूल की सियासत की। जो इंसान खुद असेंबली नशिस्त ना जी सका, वो अपोजिशन की नुमाइंदगी किस हैसियत से करेगा। सरकारी इदारों में कमजोर तबका की रिहाई के लिए शिकायत, सेल्फ निजाम में फाल। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं सरकारी इदारों को हर सूरत अवाम का पाबंद बनाया जाएगा। वजीर आजम इमरान खान ने कमजोर और बेसहारा अफराद के लिए बड़ा फैसला करते हुए सरकारी इदारों महकमों तक कमजोर तबका की रसाई मजीद आसान बनाने का हुक्म दे दिया। सरकारी इदारों की अवाम की खिदमत के लिए हर सूरत पाबंद बनाया जाए। दिन के 2000 से मुतल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस चैलेंज अदालत ने दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को नोटिस जारी, जवाब तलब कर लिया गया। सदारती ऑर्डिनेंस गैर आइनी का करार दिया जाए, दरख्वास्त गुजार का मौका।